गणित एनसीईआरटी अध्याय एक परिमेय संख्याएं कक्षा आठ का जो क्वेश्चन नंबर पाँच है उसको आज हम देखने वाले हैं। इसमें पूछा गया है 2/3 और 4/5 और दूसरे पार्ट में पूछा गया है -3/2 और 5/3 के मध्य पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिमेय संख्याएं हम पिछले क्वेश्चन में निकाल करके देख चुके हैं, आप उस वीडियो को जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और पाँचवें क्वेश्चन को चलिए करके देखते हैं। तो जो जैसे यहाँ पर आपका दिया गया 2/3 और 4/5, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम, ये आ जाएगा आपका 15। यानी कि जो नीचे वाली संख्याएं हैं हर हैं उनका एलसीएम 15 आ जाएगा। अब अपॉन में आपका 15 बनना चाहिए, बटे में 15 बनना चाहिए, ये 15 ऑटोमेटिकली बन जाता है। देखिए 2/3 आप यहाँ पर लिख लीजिए जो कि संख्या दी गई है, और दूसरी 4/5 दी गई है, संख्या को यहाँ पर लिख लो। अब क्या करना है, जो दूसरी संख्या के बटे वाला है 5, हर वाली संख्या है जो, इस 5 की गुना पहली में ऊपर करनी है और नीचे भी गुना कर देनी है। और जो पहली संख्या का हर है, जो नीचे वाला पार्ट है 3 है, अब ये दूसरी संख्या जो 4/5 दी गई है, इस 3 की गुना ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर देनी है। इसको 5 की गुना जब 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 × 5 = 15। इसको सॉल्व करेंगे 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, ये संख्याएं आ जाएंगी आपकी यहाँ पर। अब देखिए आपसे पूछी गई हैं संख्याएं 5। अगर हम 10 और 12 के बीच में देखें तो 10, 10, 11, 12, तो 10 और 12 के बीच में बस एक ही संख्या आई, तो हमको ये संख्या बढ़ानी पड़ेंगी। यहाँ पर आपसे पूछी गई 5 संख्याएं, तो क्या करिए, 5 संख्याएं पूछी गई हैं तो एक जोड़ दीजिए उसमें 6, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चलिए इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, और इसको भी हम ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 10 × 6 = 60 आ जाएगा और 15 × 6 = 90 आ जाएगा। ये गुणा की 12 × 6 = 72 और 15 × 6 = 90, यहाँ पर 0 नहीं है, 15 × 6 = 90। अब देखिए 60 और 72 के बीच में काफ़ी संख्याएं हो गई, तो आप परिमेय संख्याएं 60 और 72 के बीच वाली लिखनी है, ना कि 60 से शुरू करनी है, इनके बीच की लिखनी है। तो 61/90, दूसरी 62/90, तीसरी 63/90, चौथी हो जाएगी 64/90। आपको ये संख्याएं 5 बतानी है, यहाँ पर 65/90, 3 और 2 = 5, ये 5 संख्याएं परिमेय संख्याएं जो कि 2/3 और 4/5 के बीच में है। तो यही आपका आंसर होगा। अगर आपसे 5 के बजाय 6 पूछी जाती या 7 पूछी जाती तो आगे हम ऐसे बढ़ाते जाते, 66/90 हो जाता आगे, पर ये आपको आप यहाँ पर 5 ही पूछी गई, इसलिए यही इसका आंसर होगा। और सेकंड पार्ट में हम देख लेते हैं, इसमें -3/2 और 5/3 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए जो दूसरी संख्या का नीचे वाला पार्ट है, यानी कि हर है 3 है, तो इस 3 की गुना पहली संख्या के ऊपर नीचे कर देंगे, और जो पहली संख्या -3/2 का नीचे वाला पार्ट है 2, इस 2 की गुना इस दूसरे वाले 5/3 में ऊपर और नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करने पाएगा 3 × 3 = 9, माइनस का 3 × 2 = 6 = 5 × 10 / 3 × 2 = 6। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, आपसे पूछी गई हैं 5 संख्याएं, हम देख लेते हैं -9 और 10 के बीच में क्या 5 संख्याएं बनती हैं। तो पहली संख्या आपके बीच में बतानी है, ना कि -9 से शुरू करनी है, -9 के बीच में, तो पहली होगी -8/6, दूसरी हो जाएगी -7/6, -6/6, -5/6, तो 3, 4 और -4/6, जी आपकी कितनी संख्याएं होगी, 5 संख्याएं होगी जो कि इसके बीच में हैं। अगर आपसे ज़्यादा पूछी जाती तो आप ज़्यादा लिख सकते थे यहाँ पर, इसका आंसर यही हो जाएगा। यानी कि -3/2 और 5/3 के बीच में ये परिमेय संख्याएं होंगी।